हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को नवरात्रि स्पेशल माँ दुर्गा जी की आउटलाइन ड्राइंग करनी सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि मैं 100% श्योरिटी के साथ ये बात कह सकती हूँ कि अगर आप लोगों ने ये वीडियो बिना स्किप किए वो लास्ट तक देख ली तो आप मुश्किल से मुश्किल आउटलाइन भी ईजिली ड्रॉ कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की ड्राइंग मैं A5 साइज़ की स्केचबुक के ऊपर करने वाली हूं, जो कि हमारी 140 GSM की है। रेफरेंस फ़ोटो माँ दुर्गा की मैंने जो भी ये सिलेक्ट की है उसका लिंक आप लोगों को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप लोग सेम रेफरेंस फ़ोटो को डाउनलोड करके सेम ड्राइंग कर सकते हैं। रेफरेंस फ़ोटो आप लोग देख सकते हैं कितना क्यूट सा माँ दुर्गा जी का रूप है। तो चलिए, ड्राइंग शुरू करने से पहले आप लोग एक काम कीजिए, अपने मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल कीजिए जिसका नाम है ग्रिड ऐप फॉर आर्टिस्ट। इसमें हम न्यू पे सिलेक्ट करेंगे और जिस रेफरेंस फ़ोटो की हमने ड्राइंग बनानी है उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं माँ दुर्गा की फ़ोटो को सिलेक्ट कर रही हूँ। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में ऑप्शन रहता है जहाँ पर हम अपनी शीट का साइज़ सिलेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पर A5 साइज़ की शीट के ऊपर बना रही हूँ, तो A5 साइज़ की कर लूँगी और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फ़ोटो को क्रॉप कर लूँगी। मैंने यहाँ पर माँ दुर्गा जी की फ़ोटो को थोड़ा सा साइड में किया है क्योंकि मुझे माँ दुर्गा जी का जो फेस है वो शीट के सेंटर में चाहिए था, इसीलिए मैंने रेफरेंस को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया है। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर ब्राइटनेस और कंट्रास्ट का रहता है, वो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। थर्ड ऑप्शन अब हमारे पास देख लीजिए, जहाँ पर हम सबसे पहले अपना बॉक्स साइज मेंशन करेंगे। यहाँ पर बॉक्स साइज 5 है तो मैं यहाँ पर 3 मेंशन करूँगी दोनों साइड्स पर, तो इसका मतलब हमारा जो बॉक्स का गैप रहेगा वो 3 सेंटीमीटर का रहेगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर अपने ग्रिड का कलर भी चेंज कर सकते हैं, येलो, ब्लू, ग्रीन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर वाइट ही रख रही हूँ ग्रिड का कलर। और यहाँ पर हमारे पास डायगनल का ऑप्शन भी रहता है कि हम अपने ग्रिड में डायगनल्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग डायगनल्स को लाइट डार्क कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर विदाउट डायगनल ड्रॉइंग करने वाली हूँ। लास्ट ऑप्शन में मैं यहाँ पर लेबल सेलेक्ट कर लूँगी, लेकिन लेबल मैं सारे बॉक्सेस पर नहीं, सिर्फ साइड्स वाले बॉक्सेस पर ही सिलेक्ट कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं दोनों साइड्स पर हमारे लेबल मतलब कि नंबरिंग मेंशन हो चुकी है। और लास्ट में हम लोग अपनी फ़ोटो को सेव कर देंगे जो कि हमारी फ़ोटो गैलरी में जाकर सेव हो जाएगी। अब रेफरेंस पर तो हमने ग्रिड बना लिया, अब बारी आती है हमारी शीट पर ग्रिड बनाने की। तो यहाँ पर मैं स्केचबुक पर ड्राइंग कर रही हूँ, तो चलिए अब मैं यहाँ पर अपने ग्रिड को बना लेती हूँ स्केल की हेल्प से। मैं 3 सेंटीमीटर छोड़कर मार्क लगाऊंगी क्योंकि हम लोगों ने बॉक्स का गैप जो ग्रिड बनाते समय रखा था वो 3 रखा था, इसीलिए यहाँ पर भी हम 3 सेंटीमीटर छोड़कर ही मार्क लगाएंगे। इसी तरह हम लोग चारों साइड्स पर मार्क कर लेंगे। पॉइंट्स मार्क करने के बाद अब हम उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, लेकिन लाइंस लगाते समय हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि हमें जो लाइंस लगानी है वो काफ़ी हल्के हाथ से लगानी है क्योंकि ये लाइंस हमें आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद इरेज भी करनी होती हैं। लाइंस हमारी लग चुकी हैं, अब हम लोग नंबर्स मेंशन कर देंगे दोनों साइड पर। अब हम अपने रेफरेंस के ग्रिड को उतना ही बड़ा कर लेंगे, जूम कर लेंगे जितना हमारी शीट का ग्रिड है। इससे क्या होता है, हमें ड्राइंग बनाने में काफ़ी आसानी होती है।
और जो हमने नंबर्स मेंशन किए थे उस नंबर की हेल्प से हम लोग वो बॉक्स फाइंड आउट कर लेंगे जहाँ से हमें ड्राइंग बनानी शुरू करनी है। मैं हमेशा से आइज से ड्राइंग बनाना शुरू करती हूँ, आप लोग चाहें तो किसी भी पार्ट से ड्राइंग बनाना शुरू कर सकते हैं। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमने नंबर्स क्यों मेंशन किए, ताकि हम वो बॉक्स ईजिली फाइंड आउट कर सकें जहाँ से हमें अपनी ड्राइंग स्टार्ट करनी है। बस अब हम लोग अच्छे से फोटो को ऑब्जर्व करते हुए अपनी ड्राइंग को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, ये वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड है आउटलाइन ड्रॉ करने का। इस मेथड से आप लोग डिफिकल्ट से डिफिकल्ट आउटलाइन को भी बिल्कुल आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। आप लोग मानेंगे नहीं, एक बार आप इस मेथड को अप्लाई करके देखिएगा, आप लोग खुद कहेंगे कि ये तो आउटलाइन ड्रॉ करनी बहुत इजी हो गई। ये काफ़ी इजी मेथड है और उन लोगों के लिए जो लोग बिगनर्स हैं या जो लोग आउटलाइन ड्रॉ करना सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। जल्द ही मैं इस ड्राइंग का पार्ट टू भी लेकर आऊँगी, जिसमें मैं आप लोगों को माँ दुर्गा जी की इस आउटलाइन में कलरिंग करनी सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ग्रीड ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को ग्रीड बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, इस रेफरेंस फोटो का लिंक जिसमें ग्रीड बना हुआ है उसका लिंक भी आप लोगों को मैं नीचे दे दूंगी। आप लोग सिंपली रेफरेंस फोटो को डाउनलोड कीजिएगा और ड्राइंग बनानी स्टार्ट कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो की स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आप लोग सेटिंग्स में जाकर वीडियो की स्पीड कम करके भी देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो की रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगी। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा फेस पार्ट कंप्लीट हो चुका है और बाकी का पार्ट भी हम इसी तरह अच्छे से रेफरेंस को ऑब्जर्व करते हुए ड्रॉ कर लेंगे।
फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आप लोग ऑब्जर्व कर ही रहे होंगे कि इस मेथड का यूज करके हमारी माँ दुर्गा जी का जो फेस है वो एग्जैक्ट सेम बना है। ज्वेलरी डिजाइन हम अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, जो भी डिजाइन हमें अच्छा लगे। फ्रेंड्स, हमारी आउटलाइन वीडियो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाली है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आउटलाइन कंप्लीट करने के बाद हम लोग ग्रिड को इरेज कर देंगे। इसी के साथ हमारी आउटलाइन ड्राइंग कंप्लीट होती है। आप लोगों को ड्राइंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।